दोस्तों हम बात करेंगे HPL इलेक्ट्रिक पावर के स्टॉक के बारे में। HPL इलेक्ट्रिक पावर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हम देखेंगे जो स्टॉक है लगातार इस रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने रेंज को ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने मिल सकती है। यहाँ से हम अब स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अब स्टॉक हमारे पास 220 का जो लेवल है ये ऐसे नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको अब स्टॉक में 244 और अगर यहाँ से स्टॉक में 244 के लेवल को ब्रेक किया देन हमको स्टॉक में बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने मिल जाएगी। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको स्टॉक में 270 इसके बाद हमको स्टॉक में 300 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 320 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 207 का पहले यहाँ पर सपोर्ट देखने मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको स्टॉक 194 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 184 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट लेवल सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।